भानुप्रताप क्षेत्र के कोरर थाना अंतर्गत ग्राम डूमर कोट में लावारिस हालत में नवजात शिशु का शव मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। डूमर कोट की आवास पारा में नाले के पास से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद ग्रामीण वहां जाकर देखे तब पता चला कि एक नवजात बच्ची बिना कपड़े नाले में पड़ी मिली, जिससे ग्रामीणों की उपस्थिति में गांव के कोटवार ने उठाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों की आपसी सहयोग से नवजात बच्ची को कोरर स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करने के बाद कांकेर रेफर किया गया, जहां नवजात शिशु को स्वस्थ बताया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि नवजात बच्ची को पैदा करने वाली लड़की अविवाहित है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि घटना लोकलाज की डर से नवजात शिशु को फेंका गया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 317 के तहत विवेचना में लिया गया है। दिनांक 2/7/21 को करीबन 11:30 बजे फोन से सूचना मिली थी, कोटवार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम डूमर कोट का जो छोटा नाला है वहाँ झाड़ियों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तो सूचना पर यहाँ से टीम भेजकर तस्दीक किया गया, तो जहाँ देखा गया कि वहाँ एक छोटी सी नवजात बच्ची है जो सिर्फ एक दिन की रही होगी, और उसे वहाँ से उठाया और उसको साफ सफा कर कुरा के उसको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल कोरर लाया गया। कोरर में उसका प्राथमिक उपचार कराया गया, फिर वहाँ से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो वर्तमान में बच्ची को कांकेर अस्पताल में एडमिट कराया गया है, बच्ची स्वस्थ है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जाँच करके थाना कोरर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध धारा 317